तो यार रिसेशन का टाइम चल रहा है एंड पीपल आर गेटिंग लेड ऑफ। सो एक दिन मैं बैठा एंड मैंने सर्च किया कि कौन से ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं या फिर ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हायरिंग चैलेंजेस चलते रहते हैं या फिर बहुत सारी ओपनिंग्स अवेलेबल हैं इफ़ यू गेट लेड ऑफ ड्यू टू एनी रीज़न। तो यू कैन गो टू दोज प्लेटफॉर्म्स एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर जॉब्स। या फिर तुम अभी थर्ड या फोर्थ ईयर में हो एंड तुम्हें इंटर्नशिप्स चाहिए तो इन प्लेटफॉर्म्स पे तुम्हें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। एंड डू कमेंट योर फेवरेट जॉब प्लेटफॉर्म। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट है उसको हम ना मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एक सबसे पहली चीज़ के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोगों के अपनी अचीवमेंट्स वगैरह को शेयर करने के लिए कहते हैं। आई नो यू गॉट द आइडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन। अब लिंक्डइन पर ना एक जॉब्स वाला सेक्शन होता है एंड बहुत सारे लोग इस वाले सेक्शन को यूज़ करके जॉब्स वगैरह ग्रैब कर रहे होते हैं। कंपनीज यहाँ पे अपनी सारी ओपनिंग्स वगैरह डाल देती हैं। अब जैसे यहाँ पे हम ना काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं तो हम यहाँ पे जिस तरीके की हमें जॉब चाहिए हम उस तरीके की जॉब उस फील्ड में जॉब वगैरह सर्च कर सकते हैं। लाइक जैसे तुम अपना इसमें लेवल वगैरह डाल सकते हो। तुम SG1 के लिए सर्च करें SG2 के लिए सर्च करें जो भी कर रहे हो। जब तुम वेबसाइट पे जाओगे तुम देखोगे यहाँ पे थर्ड टैब इज द जॉब स्टाफ। तो यहाँ पे तुम जब जॉब स्टाफ पे जाओगे तुम्हें ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है बस जिस फील्ड में तुम्हें चाहिए। तो जैसे मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे चाहिए तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्च करूंगा और यहाँ पे जितने भी जॉब ओपनिंग्स वगैरह होंगी आ जाएंगी। अब इसमें तुम ना अपने फिल्टर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे तुम्हें एक्सपीरियंस लेवल चाहिए कि एंट्री लेवल इंटर्नशिप ठीक है तो तुम इस पर सर्च करोगे यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट में तुम कंपनी टाइप वगैरह डाल सकते हो जॉब टाइप डाल सकते हो। तुम्हें फुल टाइम प्रोबेबली फुल टाइम ही चाहिए होगी। तुम्हें रिमोट वर्क चाहिए हाइब्रिड चाहिए ऑन साइट चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और फिल्टर्स भी हैं। जैसे तुम्हें किसी पर्टिकुलर कंपनी में चाहिए ठीक है। इसके अलावा तुम लोकेशन वगैरह भी अपनी डाल सकते हो और इंडस्ट्री वगैरह भी अपनी डाल सकते हो। तो यहाँ पे जाके तुम्हें जिस फील्ड में चाहिए जिस टाइप की तुम्हें जॉब चाहिए उस पर तुम जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना इजी अप्लाई वाला ऑप्शन कभी यूज़ मत करना। प्रॉपरली अपने रेज्यूमे वगैरह को वेल टेलर्ड अच्छे से रेज्यूमे तुमने बना रखा उसको अच्छे से सबमिट करना जिस भी वेबसाइट पे जाके करना हो या फिर अगर उसके करियर पोर्टल पे वो लेके जा रहा है। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर अडोबी का दिख रहा है यहाँ पे। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें उसके करियर साइट पे ले जाएगा। अब यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमें सारे जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होंगी वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा रिसोर्स है ये। तो लिंक्डइन को अच्छे से यूज़ करो अपनी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड करो रेज्यूमे को अच्छे से बनाओ ठीक है। और दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म। सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड इज योर Indeed.com। इनमें से कुछ कुछ तुमने सुने होंगे बट तुम्हें पता नहीं होंगे इन पे जॉब्स वगैरह भी मिलती हैं क्या। Indeed इज़ वन ऑफ द फेमस वंस। तुम्हें क्या करना है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिटी वगैरह कुछ नहीं चाहिए हमें बस फाइंड जॉब्स। यहाँ पे सारे तुम्हारे जॉब ओपनिंग्स वगैरह आ जाएंगी। इसके अलावा तुम इसमें भी सेम चीज़ कर सकते हो फुल टाइम जॉब चाहिए एस्टिमेटेड सैलरी चाहिए हमें 70-80,000 पर मंथ लेवल। अब यहाँ पे तुम्हारे पास सारी कंपनीज का आ गया जो जो कंपनीज अभी हायर कर रही हैं फुल टाइम रोल्स के लिए। तुम इन पे अप्लाई कर सकते हो अपने इंटरव्यूज वगैरह स्केड्यूल करा सकते हो। तो सब वेबसाइट पे तुम्हें फिल्टर्स मिल जाते हैं। फिल्टर्स को अच्छे से यूज़ करना उन्हीं जॉब्स के लिए अप्लाई करना जिनके लिए तुम्हें लगता है कि तुम फिट हो। ऐसे ही अगर तुम अभी फर्स्ट फ्रेशर हो एक ईयर दो ईयर एक्सपीरियंस तुम जाके 10 ईयर एक्सपीरियंस वाली जॉब पे अप्लाई करोगे तो उसको कुछ फायदा होगा नहीं। रिक्रूटर्स वोंट रीच आउट टू यू। सो प्रॉपरली जाओ उस पर अप्लाई करो। एंड एंड में मैं तुम्हें कुछ और टिप्स भी देने वाला हूँ कि तुम कैसे ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो। तुम एक Tier 2 Tier 3 कॉलेज हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें जॉब ओपनिंग्स जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं तो कुछ हैक्स हैं तो उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। वीडियो को अच्छे से देखना एंड तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 20% ऑफ का लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट एंड्रॉइड डेवलपमेंट मशीन लर्निंग C++ में DSA या फिर जावा में DSA कुछ भी तुम्हें सीखना है तो कोडिंग निंजाज के बारे में अगर तुम नहीं जानते हो तो कोडिंग निंजाज इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तुम्हें यहाँ पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो तुम्हारे IIT स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं। उन्होंने Amazon Facebook जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है। एंड यार जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो यार जब भी हम कोई कोर्स वगैरह करते हैं तो हमारे डाउट्स वगैरह तो आ ही जाते हैं राइट। अब यहाँ पे तुम्हें कोर्स के अंदर हिंट वीडियोस मिल जाते हैं। जैसे तुमने कोई क्वेश्चन ट्राई किया तुमसे नहीं हुआ तुमने हिंट वीडियो देखी तो प्रोबेबली तुमसे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर बाय चांस फिर भी नहीं हुआ तो तुम्हारे पास यहाँ पे TA सपोर्ट है। 3 से 4 घंटे के अंदर तुम्हारे डाउट्स वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। सो 20% ऑफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट एंड अपने आप को अपस्किल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है Naukri.com। ये काफ़ी लोगों ने सुना है तो इसमें भी सेम हम वही करेंगे। हर जगह वही है जो अप्लाई करने का तरीका है दैट वुड बी सेम। अपने स्किल्स की हिसाब से तुम जॉब सर्च करो एंड उसमें अच्छे से अप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे सारी कंपनीज दिखा रही है विच ऑल कंपनीज आर करंटली हायरिंग एंड किस चीज़ के लिए चाहिए। हमें यहाँ पे भी फुल स्टैक डेवलपर चाहिए ठीक है।
फुल स्टैक डेवलपर की जॉब्स यहाँ पर हमारे पास सारी आ जाएंगी। अब इसमें भी हम अपना, अगर हमें सैलरी रेंज चाहिए होगी 5-10 to 15 lakhs या फिर 15-20, 20-25 सब डाल दिया हमने, तो मैं यहाँ पे सारे दिखा देगा, इसमें तुम्हें एक्सपीरियंस लेवल दिखा देगा कितना चाहिए, सब कुछ बता देगा। तो तुम्हें बस जाना है और अप्लाई कर देना है। इसमें सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड दोनों आ जाती हैं, तो तुम अपने हिसाब से जिस टाइप की कंपनी में तुम्हें अप्लाई करना है उस टाइप की कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। इन इन पोर्टल से आते हैं रिप्लाई। मैंने इतने सारे लोगों का इंटरव्यूज लिए हैं, वो सब ने बताया कि अगर तुम यहाँ से अप्लाई करते हो तो रिक्रूटर्स डू रीच आउट टू यू। ठीक है, अब नेक्स्ट जॉब पोर्टल पर चलते हैं। ये है इंस्टा हायर। ये जब मैं अपने फोर्थ ईयर में था, जब उस टाइम कुछ टाइम पहले ये स्टार्ट हुआ था, एंड इस पे काफी अच्छी जॉब ओपनिंग्स वगैरह आती हैं, रिक्रूटर्स एक्चुअली रीच आउट टू यू। तो यहाँ पे भी सेम ही सीन है, यहाँ पे मतलब मोस्टली सॉफ्टवेयर वाली तुम्हें मिल जाती हैं, जैसे तुम देख सकते हो। अब मुझे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए 1, तो मैं बोलूँगा मेरे को 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाली जितनी भी जॉब ओपनिंग्स है वो सब दिखा दो। तो यहाँ पे काफी सारे स्टार्टअप्स में, इवन तुम देख सकते हो डी शो में भी तुम्हें दिखा रहे हैं। डी शो का पैकेज काफी ज्यादा तगड़ा होता है और उनका जो पूरा लाइक इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो भी काफी तगड़ा होता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके ही अप्लाई करना। एंड एज यू कैन सी 10 पेज तक तो ये दिखाई रहा है, इसके बाद भी बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स हैं। बस अपने स्किल्स पे काम करते रहो, ठीक है, जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं आने वाली तुम लोगों को। तो मैं एज यू कैन सी 4682 जॉब्स दैट मैच योर सर्च रिजल्ट, 1 ईयर एक्सपीरियंस के लिए इतनी सारी जॉब ओपनिंग्स हैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड एक जॉब ओपनिंग का मतलब ये नहीं कि बस एक ही बंदे को हायर करेंगे, मल्टीपल लोगों को भी हायर कर रहे होते हैं, तो टेंशन नहीं रहनी। नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो अपनी 5th वेबसाइट है यार shine.com। सिमिलर सीन्स, जॉब यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो, अपना टाइटल डालो, एक्सपीरियंस डालो, लोकेशन डालो, तुम्हारे पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, अप्लाई कर दो। उसके बाद जो नेक्स्ट तुम्हारा आता है वो हैकर रैंक आता है। अब हैकर रैंक पे भी काफ़ी सारे ना कॉन्टेस्ट वगैरह तो होते रहते हैं, इसके अलावा तुम्हें डायरेक्टली जॉब ओपनिंग्स में मिल जाती हैं। एज यू कैन सी दिस, जैसे पेटीएम में तुम्हारे एंड्रॉयड आईएएस इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए ओपनिंग है, तो सब रोल वगैरह तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा तुम इसमें भी देख सकते हो कौन सी कंपनीज अभी हायर कर रही हैं, एंड उसके हिसाब से जॉब्स वगैरह देख के जो तुम्हारे लिए सूटेबल है उस वाली जॉब पे तुम अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा हैकर अर्थ। एंड हैकर अर्थ पे क्या होता है यार, बहुत सारे ना हैकाथॉन्स और हायरिंग चैलेंजेस वगैरह होते रहते हैं। कुछ वेबसाइट्स में ये भी बता रहा हूँ जिनमें हायरिंग चैलेंजेस होते हैं, बस वो नहीं बता रहे हैं, तुम जॉब सर्च कर सकते हो। इनका ये फायदा होता है तुम्हें डायरेक्टली, एक तो तुम हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने से तुम्हारे खुद के स्किल्स वगैरह इंप्रूव होते रहते हैं। स्किल्स वगैरह इंप्रूव होने के साथ साथ ये कंपनीज के साथ टाइप करके तुम्हारे लिए हायरिंग कॉन्टेस्ट भी कराते हैं, तो सीधा तुम्हारे पास इंटरव्यू कॉल आ जाता है इफ़ यू स्कोर वेल इन दैट हायरिंग चैलेंज। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे भी काफी सारे चल रहे हैं, ट्रू कॉलर के बैकएंड इंजीनियर के लिए चल रहा है, जायंट ईगल के लिए चल रहा है, इंटेल के लिए चल रहा है, मतलब हैकाथॉन चल रही है, तो इससे तुम्हें डायरेक्टली अप्रोच वगैरह भी कर लेते हैं। सो दिस इज आर वेबसाइट नंबर 6। नेक्स्ट वेबसाइट इज foundit.in। यहाँ पे भी सब में सेम, हमें चाहिए फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और सर्च कर देते हैं। एक्सपीरियंस हमें चाहिए 1 ईयर का एंड सर्च। तो एज यू कैन सी यहाँ पे भी तुम्हारे पास सारे जॉब ओपनिंग वगैरह आ जाएंगी। मतलब सीधा यही है, जहाँ पे तुम्हें मौका मिल रहा है वहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है, कहीं ना कहीं से कॉल आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। बस अपने स्किल्स पे काम करते रहो ना, अपने आप पे भरोसा रखो, बाकी एवरीथिंग इज गोना वर्कआउट। नेक्स्ट इज अपना अगर तुम्हें ना पता हो, काफ़ी अमेजिंग स्टार्टअप है, काफ़ी तेज़ी से इन्होंने फंडिंग वगैरह रेज करी थी। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपर, सिटीज ऑल कर दिया हमने, एरिया कर दिया, यहाँ पे तुम्हें आ जाएंगी। एंड यहाँ पे सैलरी पर मंथ के हिसाब से दिखा रहे हैं, एक्सपीरियंस लेवल सब कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तुम अपना सेट कर सकते हो। यहाँ पे तुम फुल टाइम जॉब्स पे सर्च करोगे, एंड जॉब्स फॉर फ्रेशर्स हमने सर्च कर लिए, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो फुल टाइम जॉब, जॉब्स फॉर फ्रेशर, तो यहाँ पे तुम्हारी सारी आ जाएंगी। एंड हम यहाँ पे ऑल की जगह इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसे एज यू कैन सी बस 15 जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल हैं फॉर फ्रेशर्स, बट दिस इज ऑल्सो गुड वेबसाइट टू हैव अगर तुम सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है यार गीक्स फॉर गीक्स पे जॉब्स वगैरह भी काफी अवेलेबल होती हैं, जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म भी है गीक्स फॉर गीक्स। तो जॉब होता है यार गीक्स फॉर गीक्स पे होता है, हर महीने 1 या 2 इवेंट्स होते हैं जहाँ पे जाके तुम अपने लाइक जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। कॉन्टेस्ट होगा, कॉन्टेस्ट में अगर तुमने अच्छे से परफॉर्म किया तो कंपनी डायरेक्टली तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगी, एंड तुम ये जाके पोर्टल पे चेकआउट कर सकते हो, तुम यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड लास्ट हमारा एक और मैं बोनस वाला बता रहा हूँ तुम्हें, ये स्टूडेंट्स के लिए है जो भी लाइक कॉलेज में मोस्टली, तो स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल सबके लिए, बट जनरली स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे हायरिंग कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। जैसे अगर तुमने सुना हो फ्लिपकार्ट ग्रेड या फिर मिंत्रा का जो हैकाथॉन होता है, उबर का हैकाथॉन होता है, वो इसी पे होता है अनस्टॉप पे। पहले इसका नाम डेयर टू कम्पीट था, अब इसका नाम चेंज होकर अनस्टॉप हो चुका है। तो यहाँ पे तुम हायरिंग चैलेंजेस पे जाके इन पे पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हो, बहुत सारी कंपनीज के हायरिंग चैलेंजेस चलते रहते हैं यहाँ पे, सो यू कैन गो देयर, अप्लाई,
एंड दीज आर द थिंग्स यहाँ पे इन सारी वेबसाइट पे जाकर तुम कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यार जब भी तुम अप्लाई करो अगर ये तुम्हारा नहीं चलता तो लिंक्डइन को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। लिंक्डइन पे तुम रिक्रूटर्स पर सर्च कर सकते हो, एक ना वहाँ पे प्रोफाइल के साथ में बना हुआ आता है हायरिंग, हैशटैग हायरिंग लिखा हुआ आता है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हायरिंग। एंड ऐसे तुम हैशटैग से सर्च कर सकते हो कौन सी कंपनीज हायर कर रहे हैं, कौन से लोग हायर कर रहे हैं। इसके अलावा तुम टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हायरिंग के पोस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो इन सब जगह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक जो जॉब ओपनिंग्स का पता चलता रहेगा। ये तो हो गया मेथड नंबर वन, हमने डिस्कस कर लिया वेबसाइट पे जाकर तुमने अप्लाई कर लिया। मेथड नंबर टू हो गया तुमने रिक्रूटर्स को डायरेक्टली लाइक अप्रोच कर लिया। एंड मेथड नंबर थ्री होता है कि तुम्हारा अगर कोई दोस्त वगैरह उस कंपनी में है एंड वो डायरेक्टली रिक्रूटर को जानता है, मतलब उनको पता है कि यार इस वाली टीम में हायरिंग हो रही है एंड उसने तुम्हें बता दिया, यू कैन गेट डायरेक्टली इन टच विद द रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर एंड तुम्हारे राउंड्स वगैरह काफ़ी जल्दी एक्सपीडिएट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी से चालू वगैरह हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई सीनियर है कॉलेज का जो किसी कंपनी में एंड दे आर पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, डायरेक्टली उनको अप्रोच करो और उनसे बोलो कि मेरा इंटरव्यू वगैरह करा दो। एंड दिस इज इट यार, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।